नहीं होता है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। देन फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया एज MSCB के कस्टमर सपोर्ट को, वहाँ से मैंने पूछा ये गलत कंज्यूमर नंबर पर मैंने पेमेंट किया हुआ है। सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप कंज्यूमर नंबर से एड्रेस, कंज्यूमर नंबर का जो एड्रेस है वहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट करो। तो मैं बहुत पैनिक था, तो मैंने उनको कहा कि सर नंबर देने के लिए, उन्होंने नंबर नहीं दिया, तो मैंने रॉन्ग दूसरे नंबर से मैंने कॉन्टैक्ट करके मैं नंबर उनसे निकाल लिया कंज्यूमर नंबर का। देन फिर मैंने कॉन्टैक्ट करके पूछा कि सर आप कहाँ रहते हो एंड ऑल एट्सेट्रा। सो वो नियर बाई थे मेरे, मतलब मेरे ही एरिया के लोकल थे। सो कॉन्टैक्ट करके मैंने वो 4,570 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए। अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होता देन फिर मेरे लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैंने जो पेमेंट किया था क्रेडिट कार्ड से वहाँ पर मैंने डिस्प्यूट भी रेस किया था, बट उन्होंने कहा था कि 90 डे to 120 डे का पीरियड रहेगा, उसके अंदर वो टेम्पररी एक लिमिट प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हुआ तो लिमिट आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे सॉल्यूशन तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं मिला, बट ये बता सकते हो जो मेरी गलती हुई उसको सुधारने के लिए मुझे एज अ कंज्यूमर नंबर जो था जिनके पास में जाके मैंने वो पैसे कलेक्ट किए, देन फिर मेरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। सो आपके साथ ऐसी कुछ गलती या फिर आप मिस्टेक करते हो बाय मिस्टेकली, सो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कभी भी ये सब कंज्यूमर नंबर लाइट बिल्स वगैरह पेमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, टाइम निकालने के बाद अच्छे से आप पेमेंट कीजिए और रेस्ट होके पेमेंट कीजिए, बिकॉज थोड़ा भी नंबर एक अलग, थोड़ा भी नंबर आपका गलती से भी दूसरा टाइप ना हो जाए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपके कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।